हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से कंफर्म कर दो गाइस, आम आई ऑडिबल विजिबल? यस भाई, जल्दी से कंफर्म कर दो, आम आई ऑडिबल विजिबल? है ना। सो टॉपिक जो है हमारे, अभी तक क्या क्या फिनिश हो चुके हैं? वी हैव फिनिश्ड परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो उनका हम लोग आज जो है थर्ड जो सीरीज हमारी चल रही है, वी आर डूइंग द मिक्स बैग सीरीज, जहाँ पे विल बी लुकिंग एट जो भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने किए उनके बेसिस पे आपके पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि वाइल डूइंग इट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वो दोबारा से रिवाइज करना। बिकॉज एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है गाइस, कि हम लोग आगे आगे अरिथमेटिक में बढ़ते जा रहे हैं, बट पुराने टॉपिक्स हमें भूलने नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई एम गोइंग टू बी पीरियोडिकली इस तरह के मिक्स बैग्स लाता रहूंगा आफ्टर एवरी फ्यू सेशंस। जैसे कि अभी हमारा पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैड ओनली फिनिश्ड अप टिल टाइम स्पीड डिस्टेंस, अभी भी तीन चार टॉपिक्स और बाकी हैं उसमें। और तो जैसे ही विल फिनिश दिस मिक्स बैग, देन विल कम बैक टू द सेशंस जहाँ पे विल कंटिन्यू विद अरिथमेटिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास गाइस। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, आई विल स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। माई नेम इज दीपक जरियाल एंड आई एम अ फिजिक्स ऑनर्स एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बायसिस। हैव स्कोर्ड मोर देन 99% मल्टीपल टाइम्स सिंस आई बिन गिविंग कैट सिंस 2007। लेटेस्ट ये स्कोर कार्ड्स हैं गाइस, सो 2008 एंड 18 एंड 2017 का। एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006, दैट हैज गिवन मी 14 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सो द आइडिया इज कि अगर इफ यू वॉन्ट टू गेन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड सिमिलर एजुकेटर्स लाइक मी, आई वुड रिकमेंड कि यू डाउनलोड दिस अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन अभी नहीं है तो दिस इज अ मस्ट हैव एप्लीकेशन गाइस। आपको ये डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिसमें आपके सामने प्लस होगा, फ्री कोर्सेज दिखाई देंगे और स्पेशल क्लासेस दिखाई देंगे। सो इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि फ्री कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस हैं क्या। सो गाइस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न दी इंटरफेस ऑफ द अनअकैडमी। जैसे कि ना कि जब आपको पता चल गया, आपने डिसाइड कर लिया कि अनअकैडमी ऐप पे हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट करना है, और बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू सी कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरह से फैकल्टीज आपसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको समझने को मिलेंगी। एंड वंस यू अंडरस्टूड, और क्योंकि यार ऐसे नहीं कि एक एजुकेटर का आप फ्री कोर्सेज अटेंड कर सकते, देर आर मल्टीपल एजुकेटर्स, और अपने जो अपने स्पेशल क्लासेस जो है ऑन अ डेली बेसिस दे आर लॉन्चिंग। सो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग टू गो थ्रू दिस स्पेशल क्लासेस। और अगर आप एप्लीकेशन पहली बार हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि एक बार ना ये कोड यूज़ करें। अगर अगर आप एप्लीकेशन में पहली बार आ रहे हो तो आपको उनको अनलॉक करना पड़ता है, मतलब यू डोंट हैव टू पे, बट टू अनलॉक दो स्पेशल क्लासेस यू हैव टू यूज़ दिस डीजे, द कोड DJ10। आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, द कोड इज़ DJ10। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा स्पेशल क्लासेस और फ्री कोर्सेज जो है से मुझे समझ में आ रहा है कि यार किस तरह से मुझे अपना प्लान आउट करना है, कि क्योंकि अभी घर के कंफर्ट से ही पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे टाइम पे पढ़ना है कि विच डज नॉट डिस्टर्ब दी अदर एंगेजमेंट्स ऑफ माइंड। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्लान आपको चाहिए, तो आप जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स के लिए प्लस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने सब्सक्राइब, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन सारे ऑप्शंस में से आपको कौन सा पिकअप करना है, आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया गाइज। कि अगर आप कैट 2021 देख रहे हैं, कैट 2021 देख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा दिस इज अ 24 मंथ्स का कोर्स आप पिकअप कर सकते हैं। बिकॉज कैट 2021 की प्रिपरेशन के साथ साथ आपके जो OMATs होते हैं ना, है ना, सो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, इनकी प्रिपरेशन आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक सेकंड ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर गाइस, कि आपके घर के और विद अ वेरी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी कम कॉस्ट में आपको इतनी प्रिपरेशन हो जाती है। और आपको इसके साथ साथ आपको ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज,
WAT सेशंस, इनकी भी आपको गाइडेंस वहाँ मिल जाती है। सो ये सारा जो है अपने चीज़ें, यू नो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप स्पेसिफिकली, यू नो, कैट 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर से एडमिशन देख रहे हैं, तो आई एम रिकमेंडिंग दैट यू ज्वाइन दिस 24 मंथ्स का कोर्स। बट अगर आप ओनली कैट 2021 ही देख रहे हैं, मतलब कि सिर्फ कैट तक ही देख रहे हैं, उसके आगे आई एम नॉट वेरी श्योर, देन या फिर आपका टारगेट सिर्फ IIMs वगैरह ही है, देन आप 12 मंथ्स का कोर्स भी पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से फिर भी कोई भी ऑप्शन आप पिकअप करेंगे, 10% आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJTAN। आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, दिस इज व्हाट इट इज। और क्लास के आखिरी में बने रहिए, एंड क्लास के आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कि प्लस में और क्या क्या, यू नो, ग्रेट बेनिफिट्स दैट यू गोइंग टू बी हैविंग। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? यस, है ना, लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड आई विल स्टार्ट विद दिस स्मॉल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे क्योंकि मिक्स बैग सीरीज चल रहा है, तो इसमें जो टॉपिक जो मेरा जिस पे फोकस रहेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेजेस, इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। तो इसके ऊपर जो भी अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उनके क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डील कर लेते हैं। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस पेपर्स, या फिर जो मुझे लगता है कि एक बार रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है इस अपने पास, रहमान बाईस फ्यू एप्पल्स एट 15 फॉर ए रुपी एंड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एट 20 फॉर ए रुपी, ही मिक्सिस द टू लॉट्स एंड सेल देम फॉर 35 फॉर 2 रुपीज। ठीक है, वॉट इज इज गेन और लॉस परसेंटेज, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर गाइस, क्विकली जल्दी से आंसर दीजिए इसका। है ना गाइस, इसका जो ट्रिक था या जो जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना समझा था उसके हिसाब से बताइए गाइस जल्दी से, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, क्या हो सकता है यहाँ पे। है ना, तो टिपिकल तरीका हम लोगों ने इस तरह के केसेस में क्या समझा था, रहमान बाईस फ्यू एप्पल्स, कितने ये पता नहीं है, एट 15 फॉर रुपी। इसका मतलब क्या है, रहमान बाईस फ्यू एप्पल्स एट 15 फॉर रुपी, मतलब क्या कि यार ऐसा नहीं है कि उसने 15 रुपए में एक एप्पल या फिर ऐसा कुछ, उसने आपको रेट जो है डायरेक्टली नहीं बताई है। रेट आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चंस लिए थे ना, जहां पे मैं बताता था आपको कि यार इस तरह के क्वेश्चन में आप फ्यू एप्पल्स है, कितने एप्पल्स है ये पता नहीं है, और एट 15 फॉर रुपी की बात कर रहा है, तो वो आपको डायरेक्टली रेट नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है कि
एक एप्पल जो है आपको वो, मैंने जितने भी एप्पल्स मैंने खरीदे वो इस रेट पे खरीदे जिससे ना आपको 1 रुपए में 15 एप्पल मिल जाते हैं। 1 रुपए में कितना एप्पल मिल जाते हैं? 15 एप्पल। यू गेट 15 एप्पल्स फॉर ए रुपी, एट 15 फॉर ए रुपी। सो 1 रुपए में 15 एप्पल्स मिलते हैं, दैट इज व्हाट इज द, है ना? तो दिस इज व्हाट इज द रेट, है ना? 1 रुपए में 15 एप्पल मिल जाते हैं, यानी कि 1 एप्पल की प्राइस कितनी होगी, है ना? 1 रुपी बाय 1/15 है, जो भी आपने कहना है, ठीक है? फिर वो बोलता है कि द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 20 फॉर ए रुपी। मतलब इधर भी डायरेक्टली रेट नहीं बताया, बट वो कहा कि वो ऐसी रेट है ना जिससे ना आपको ना 1 रुपए में 20 एप्पल आ जाएंगे, ठीक है? तो ये दो अलग अलग टाइप के एप्पल्स खरीदे, क्योंकि पहले पहले का रेट अलग है, बाद वालों का रेट अलग है, बट जितने एप्पल पहले खरीदे थे उतने ही एप्पल्स बाद में भी खरीदे थे, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आप खरीद रहे हैं, जैसे कि वो जो रेट है गाइस, यहाँ पे रेट क्या होगी, यहाँ पे 20 एप्पल्स 1 रुपए में मिलते हैं, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा? 1/20, है ना? तो अच्छा, वैसे ये 1/20 होगा, और इधर कितना, 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा? 1/15। अभी यार यहाँ पे ही मिक्सिस द लॉट एंड सेल्स देम फॉर 2 फॉर ए रुपी। मतलब मिक्सिस द लॉट एंड सेल्स देम एट 35 फॉर 2 रुपीज। तो 2 रुपए में 35 एप्पल्स। तो 1 एप्पल का प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2/35। तो गाइस आपको दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा फ्रैक्शन फ्रैक्शन का काम होने वाला है। सो व्हाई नॉट लेट्स टेक द एलसीएम, है ना? यही हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह का केस आएगा, लेट्स विल यू नो रादर देन डूइंग ऑल दिस फ्रैक्शंस, हम लोग, क्योंकि यार आंसर जब तक इंटीजर में रहता है तब तक आपका काम आसान रहता है, ठीक है? यू डोंट हैव टू यू नो आपको बार बार कैलकुलेशंस में फंसना नहीं पड़ता है। तो यू नो मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स के नंबर्स क्या हैं, 20, 15 एंड 35 ना। सो एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 35 कितना होगा गाइस? दिस इज 3 5s एंड दिस इज 5 4s एंड 7 5s, ठीक है? सो 3 × 5 इज 5 × 4 एंड दिस इज 7 × 5। सो बेसिकली 5 × 7 × 3 × 4, है ना? सो 21 × 12, है ना? सो 420, यस। सो 420 इज द एलसीएम। सो 420 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम अगर 420 आ गया तो थोड़ा सा आपको सोचने में आसानी हो जाएगी कि मैं कहूंगा ये जो फ्यू एप्पल्स है ना, ये जो फ्यू एप्पल्स की वैल्यू कितनी हो गई? 420। मतलब आपने कितने एप्पल्स खरीदे? 420 एप्पल्स खरीदे, ठीक है? तो 420 एप्पल्स खरीदे एट 15 फॉर ए रुपी, एट 15 फॉर ए रुपी। तो 15 एप्पल्स 1 रुपए में आते हैं, तो 1 एप्पल मतलब आपके जो 1 एप्पल का प्राइस कितना था, 1 एप्पल का प्राइस कितना था? 1/15 टाइम ना, 1 एप्पल का प्राइस कितना था? 1/15। अभी आप एप्पल्स कितने खरीद रहे हैं, टोटल एप्पल्स कितने खरीद रहे हैं? 420। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ये बात क्लियर हो रही है? जल्दी से येस और नो लिखो, येस और नो, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? येस और नो, है ना? तो जो अभी आपने उन 420 एप्पल्स के लिए जो पे किया होगा गाइस, 420 एप्पल्स के लिए आपने कितना पे किया होगा? 1 एप्पल के लिए आप कितना पे करते हैं? 1/15। तो 420 एप्पल्स के लिए कितना पे किया होगा? 420/15, यस और नो? तो ये 15 होता है, यानी कि 28, 28 रुपये पे किए थे आपने, है ना? दूसरा केस क्या था गाइस, दूसरा केस क्या था कि फिर से आपने ना सेम नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदे, यानी कि फिर से आपने 420 एप्पल्स ही खरीदे, लेकिन 1 एप्पल के लिए कितना पे किया आपने? 1/20। तो 420 एप्पल्स के लिए कितना पे करेंगे? 420/20, है ना? सो 20, तो यानी कि 21 रुपीज, है ना? आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है? तो आपने ये 21 रुपीज पहले वालों के में खर्चा किया, दूसरे वाले एप्पल्स में भी आपने 21 रुपीज खर्चा किया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया गाइस? 49 रुपीज, येस और नो? सो टोटल कॉस्ट इज 49 गाइस, टेल मी यू अग्री विद दिस और नॉट? यहां तक ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। येस और नो गाइस? येस नो मे बी, कुछ लिखो। इज इट फाइन?
ठीक है, नहीं ठीक है वो भी लिखो ना गाइस, है ना। ओके सो दिस इज 49 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट। अब ये 49 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट, और बोलता है ही मिक्स द टू लॉट्स एंड सेल्स देम फॉर एट 35 फॉर 2 रुपीज। तो आपने टोटल अभी जो मिक्स कर दिया, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल्स थे? 840 ना, टोटल एप्पल्स कितने थे? 840, यस और नो? क्योंकि 840 क्यों, पहले वाले लॉट में भी 420, दूसरे वाले लॉट में भी 420, सो टोटल 840 एप्पल्स हैं। तो टोटल अगर 840 एप्पल्स हैं और एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है? 2/35, तो इन 840 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? सो 2/, यस और नो? यस और नो, है ना? ही मिक्सिस द लॉट टू लॉट्स एंड सेल्स देम एट 35 फॉर 2 रुपीज। 35 फॉर 2 रुपीज यानी कि 35 एप्पल्स 2 रुपए के, एक एप्पल 2/35 का, 840 एप्पल्स कितने के? इंटू 2/35, यस और नो? है ना। तो मेरा टोटल कितना आ गया यार, ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 840, दिस इज इनटू 2 ना, 35 है ये, तो 12 यानी कि 7, ये 2 कैंसिल, सो इज दिस 40, कितना? 48 है ना, 35 7, 35 7 कैंसिल हो गया ना, तो दिस इज 48, यस और नो? इज दिस 48 गाइस, जल्दी से लिखो। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 48, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस वाज 49, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस वाज 49, ऑफ कोर्स दिस इज लॉस, लॉस ऑफ हाउ मच गाइस? 1/49, 1/49 कितना हो, लगभग लगभग इसको बोल दो अप्रोक्सीमेटली 2% है ना, 1/50 इज 2%, तो 1/40 लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 2%, ठीक है। ठीक है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना एनी पॉइंट दैट इज देयर, तो ठीक बताना। द ट्रेडर मार्क्ड द प्राइसेस ऑफ हिज प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन सेल्स 1/4 ऑफ हिज स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्क्ड प्राइस एंड रेस्ट एट डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज? सर, टू लॉट्स तो 15 और 20 एप्पल्स के लिए आया होगा ना, टू लॉट्स कौन सा टू लॉट्स? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको, एक बार शायद कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया। टू लॉट्स, हाँ टू लॉट्स, हाँ वही वही टू लॉट्स, मतलब इस ये पहले वाला फर्स्ट एप्पल और ये सेकेंड लॉट, फर्स्ट लॉट एंड सेकेंड लॉट, ये बोल रहे हो? ही मिक्सिस द टू लॉट्स, मतलब दो लॉट्स खरीदे ना, 15 और 20 वाले, अलग अलग प्राइसेस वाले हैं ना, इसलिए तो हमने 840 बोल दिया ना उसको, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया था, 420 हमने मान लिया कि जितने भी, क्योंकि इसने पहले लिखा था रहमान बाइस फ्यू एप्पल्स, सो हाउ मेनी एप्पल्स दैट वॉज नॉट मेंशन, इसलिए वी टुक इट एज 420 एप्पल्स।
है ना, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो मैं एक्सप्लेन करूँ फिर से, या फिर ठीक है ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ शुरू से एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? तो यू कैन टेल मी, अच्छा ठीक है, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से सुनिए, ठीक है? बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यू एप्पल्स, ठीक है? तो फ्यू एप्पल्स तो वो कितने हैं वो पता नहीं है, उसका रेट भी हमको दिया नहीं है ना, रेट निकालने के लिए उसने एक और थोड़ी मेहनत करवाई, बोलता है कि 15 एप्पल 1 रुपये में मिलेंगे, उस रेट से खरीदा उसने, कि अभी पर एप्पल का रेट नहीं दिया, बट उसने उल्टा तरीके से बताया कि यार वो ऐसा है कि 1 रुपये में आपको 15 एप्पल्स मिल जाएंगे, यानी कि 1 एप्पल आपको मिलेगा 1/15 रुपीज में, सही बात है? वहीं पे दूसरे वाले केस में, दूसरा जो लॉट है ना, दूसरा जो लॉट आप कह रहे हो, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स जितने पहले खरीदे थे, जो यहां पे जो खरीदे यहां पे भी वही खरीदे, तो बोल रहा है कि 24 रुपी, बट उसका भी रेट उसने डायरेक्टली नहीं बताया, बोलता है इसके भी एक्स्ट्रा मेहनत करो, ये रेट निकालो, वो रेट ऐसा है कि ना 20 एप्पल आ जाएंगे 1 रुपये में, यानी कि 1 एप्पल 1/20 रुपीज में आएगा, ऐसा ही है। अच्छा मैंने एप्पल्स खरीदे कितने वो पता नहीं, तो मैं वही आपको समझाना चाहता था कि जो हमने थ्योरी क्लास में समझा था कि हम लोग ना इस तरह के केसेस में वो कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यार नंबर्स जो है ना ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे 35 सॉरी एंड देन 20 एंड ऑल दैट, उनसे डील करने से बेटर हम लोग क्या करते हैं इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे कि और बेच कितने में रहे हो, बेच कितने में रहे हो पता नहीं है, प्राइस आपको बताया नहीं है, ही मिक्सिस द टू लॉट्स, यानी कि ये जो टाइप 1 एप्पल है और ये टाइप 2 एप्पल, इन दोनों को मिक्स कर रहा है वो, ठीक है? तो ऑफकोर्स तो जितने यहाँ पे एप्पल्स थे उतने ही यहाँ पे भी एप्पल्स थे, तो इन दोनों को मिक्स करेगा तो डबल ही होगा ना क्लाउड, है ना? क्लाउड गेमिंग, यार नाम नाम लेने में अजीब लग रहा है, बट ठीक है, इज इट ओके? सो दिस इज एक्स एंड एक्स, है ना? सो दिस इज एक्स, तो जितने एप्पल्स यहाँ खरीदे इतने एप्पल्स यहाँ भी खरीदे, ठीक है? इसलिए डबल कर दिया। अभी सेलिंग प्राइस भी उसने डायरेक्टली नहीं बताया, बट वो ऐसा है कि 35 for 2 rupees मिलेगा, 35 एप्पल्स मिल जाएंगे 2 रुपए में, यानी कि 1 एप्पल 1 एप्पल सेलिंग प्राइस इज 2/35, 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस इज 2/35। नाउ तो मुझे जो फ्रैक्शंस वगैरह दिख रहे थे इन सब का मैंने एलसीएम ले लिया, दिस इज एलसीएम, और आप भी यही करना गाइस, 15, 20 एंड 35 का एलसीएम ले लिया, यानी कि ये हो गया 420, है ना? सो आई हैव गॉट 420 एप्पल्स, तो 420 ऐसा नहीं कि टोटल 420, मतलब मैंने एक्स की वैल्यू 420 ली, यानी कि दिस इज 420 तो ये भी 420, है ना? सो बेचे कितने, 840 एप्पल्स, इसलिए डबल किया मैंने, है ना? मिक्स कर दिया, तो इन 420 की एप्पल्स में कि आपने आपके लिए कितना आपने कितना पैसा पे किया, तो 1 एप्पल के लिए आपने 1/15 पे किया, तो 420 एप्पल्स के लिए आपने 1/420 × 1/15 विच इज हाउ मच, आई थिंक ये कुछ और आया था ना, 27.5 का आंसर होता है, 20 21 था ना शायद, 21 रुपीज, 7534 है ना, 7535 का आंसर होगा, 28 है ना, 28 है ना, 28, दिस इज 28 रुपीज, ठीक है? वहीं पे जो ये वाला टाइप का एप्पल जो बेचा ना खरीदा था ना, उसके लिए आपने जो 420 एप्पल जो खरीदे उसके लिए कितना पैसे की पे किए, 420 × 1/20, ये तो हो गया 21 रुपीज, है ना, 21 रुपीज। तो टोटल एप्पल्स आपने खरीदे कितने, 840 खरीदे थे ना, 840 एप्पल्स के लिए आपने टोटल कॉस्ट कितना पे किया, 49 रुपीज, क्योंकि मुझे ओवरऑल गेन परसेंटेज निकाला तो मैंने ओवरऑल कॉस्ट और ओवरऑल सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर दिया। सो 840 एप्पल्स बेचने हैं, कितना पैसा मिलेगा, तो 1 एप्पल पे मिलता है 2/35, सो 840 × 2/35, है ना? ये मुझे क्लियर है, दिस वॉज 48 है ना, ये हमने निकाला भी था। सो मेरे को ओवरऑल टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया था, 48 रुपीज, तो ऑफकोर्स देयर इज अ लॉस, ठीक है? सो ऑफ कोर्स दिस इज लॉस, एंड लॉस कितना था, 1 का लॉस है, और लॉस परसेंटेज कितना होगा, 1/49 का, इसलिए उसको मैंने रफली बोल दिया 2% ले लो, है ना? देयर इज नो नीड टू
एक्चुअली राइट, बिकॉज 1/50 इज 2% ना, बिकॉज हमको पता है 1/2 इज 50% एंड ऑल दैट, ठीक है, तो 1/50 इज 2%, करेक्ट है गाइस? ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन, अ ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ही देन सेल्स 1/4 ऑफ इट्स स्टॉक समथिंग समथिंग एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हाफ द स्टॉक एट मार्क प्राइस एंड रेस्ट एट डिस्काउंट ऑफ 25%, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब वो कह रहा है कि गेन हो रहा है, ठीक है, तो कितना है? गाइस जल्दी से एटलीस्ट ये भी लिख दो, क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो ना, मुझे पता चलना चाहिए कि आई यू गाइस ट्राइंग, नॉट ट्राइंग, नॉट गेटिंग, या डिस्कस कर रहे हैं राइट अवे, वो भी बताओ, जो भी आपके चल रहा है वो जल्दी से बताओ। क्लाउड को फिर से देखोगे, विल चेक इट अगेन, 1.25%, आंसर फिर से देखो, क्योंकि यार गेन परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज के लिए क्या चाहिए यार, गेन परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, दैट्स इट, है ना, उसी एंगल से सोचिए। A trader marked the price of his goods 20% more than that of the cost price. He then sells 1/4 of its stock at a discount of 10%. Something, something. Okay. Find the gain percentage. कैलकुलेशन ट्राई कर लिया ना सब ने, दीपिका, है ना, डिड यू चेक योर कैलकुलेशंस? कुछ नहीं यार, मतलब अल्टीमेटली देखो ना, अल्टीमेटली क्या करते हो आप, अपना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वही देखते हो ना, बिकॉज अच्छा इसने दो चीज़ें कर रहा है, अगर आप यू नो अगर इसको ओवरऑल तरह से देखें, अ ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 20% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो 20% ऑफ दैट मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो आइडिया ये है कि यार यहाँ पे तो पहले कॉस्ट प्राइसेस की बात हो रही है, प्राइसेस ना, प्राइसेस एक अलग कैटेगरी आ गई। दूसरा कैटेगरी यहाँ पे ये आई कि नंबर ऑफ गुड्स, वो भी इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ गुड्स मतलब कितने गुड्स हैं, ठीक है। नाउ क्लाउड मुझे लग रहा है, क्लाउड गेमिंग मुझे ये लग रहा है कि आपने गलती कहा कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज व्हाट इज माय गेस, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि यही किया, तो आई वुड लाइक यू टू रेक्टिफाई, ठीक है, बिकॉज मैं आंसर निकालू मैं तो निकाल दूंगा, बट यू नो साथ में अगर आप अपनी तरह से कोशिश में अगर आप यू नो कामयाब होते हैं तो इट्स नथिंग लाइक इट।
So वो बोल रहा है ही सेल्स 1/4 ऑफ इट स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। नाउ हाफ ऑफ द स्टॉक एट मार्क प्राइस, हाफ ऑफ द स्टॉक एट मार्क प्राइस। ना हाफ ऑफ द स्टॉक एट मार्क प्राइस, अगर जो इसने लिखा है आपने वही किया है तो हम साथ में करते हैं। अगर आपने हाफ ऑफ रिमेनिंग किया है ना, कई बार ऐसे कहते ना 1/4 चला गया फिर बचा गया 3/4, तो 3/4 का भी हाफ कर दिया, ऐसे किया, रिमेनिंग का 1/4 लिया या रिमेनिंग का हाफ लिया, बताओ मुझे, यही किया कि कुछ और किया? अगर ये जो लिखा है वैसे ही किया तो फिर मैं साथ में करता हूं। दीपिका व्हाट इज योर आंसर? हाफ में 60 लिया? नहीं, ओके ओके, चलो साथ में करते हैं। चलो आप बताते जाना कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई, ठीक है, मुझे बताना लेकिन फाइनली कि मिस्टेक कहाँ हुई, ठीक है। सो सीपी हमने ले लिया 100, बट यार 1/4 किसका, 1/4 किसका, जो आपका पूरा स्टॉक है ना, जो सामान ले रहे हो उसका 1/4, फिर उसका हाफ और फिर उसका रिमेनिंग। नाउ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कितने गुड्स खरीदे आपने, ओवरऑल लेना, आप ओवरऑल ले सकते हो, बट क्योंकि हम लोगों ने नंबर 100 लिया है तो थोड़ा सा आपका काम आसान भी हो जाएगा। तो उसके लिए ना आप क्या करो कि रादर देन अज्यूमिंग द नंबर ऑफ गुड्स ना, आप उसको मान लीजिए एक ही यूनिट ली है, ठीक है, तो एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100। तो जो अगर वो उस एक यूनिट का अगर आप 1/4 बेच देते हो तो कॉस्ट का भी 1/4 हो जाएगा ना, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, है ना। आगे क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सिर्फ जो डेटा दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि इस कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट है एक एक सामान का, तो उसका 1/4 का कॉस्ट कितना होगा, 1/4 ऑफ 100 ओनली ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 लिया, बोलते हैं मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना हो गया ऑब्वियसली 120। नाउ ये जो डिस्काउंट डिस्काउंट की बात कर रहा है, डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर ही। नाउ तो आपने एक ही सामान लिया ना, एक जो यूनिट लिया उसको ही आपने मान लीजिए 120 में आपने लेबल लगा दिया, ठीक, 120 का। नाउ उसका अगर आप 1/4 पार्ट निकाल लोगे तो इस 120 का भी 1/4 हो जाएगा ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस 120 का भी 1/4 हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा कि इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 10%। तो 10% किसका पहले, मार्क प्राइस का। सो 10% कितना होता है 12, यानी कि मार्क प्राइस ऑफ 1/4 ऑफ द गुड इज 1108 और टाइम्स 10 टाइम 1, तो कॉस्ट जो मतलब एक पूरी यूनिट का 108 बनता है ना, मतलब एक यूनिट पूरा बेचते 10% डिस्काउंट पे, तो उसको आप कितने में, उसका सेलिंग प्राइस कितना होता 108, बट उसका 1/4 बेच रहे हो तो उस 1/4 का सेलिंग प्राइस कितना होगा 1408, 1/4 टाइम्स 108, ये हो गया आपका 1/4 वाला पार्ट। हाफ ऑफ द स्टॉक, हाफ ऑफ द स्टॉक, अगेन अगेन हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्केट प्राइस, यानी कि इसी पे बेचा, तो मार्केट प्राइस अगर पूरा एक यूनिट बेचते तो 120 में बेचते, लेकिन उसका आधा बेच रहे हैं तो आधा सेलिंग प्राइस होगा, तो 1/4 प्लस 1/2 इज कितना होता है 75, तो बचा कितना 1/4, 1/4 एज डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% यानी कि 1/4, यानी कि 30 हटा दिया, यानी कि 90 पे बेचा। तो कैन वी से दिस इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस, कैन वी से दिस इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस, 4 2 8 27 60 एंड 90/4, यस, दिस इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, यू जस्ट हैव टू टेल मी वॉट इज माई डिस्काउंट परसेंट या वॉट इज माई ओवरऑल गेन परसेंटेज। ये क्लियर है क्या? आप मतलब आपने ऐसा, मैंने एक यूनिट देख के फिर एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा ना, आपने एक ही यूनिट का प्राइस आपने मान लिया, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो उसी एक यूनिट का मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा 120, तो पूरे एक यूनिट का मार्क प्राइस 120, तो 1/4 यूनिट का मार्क प्राइस कितना होगा 1/4, तो 120, समझ में आया? तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% उसका भी 1/4 होगा, बात समझ में आ रही है?
बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती, ठीक है। कभी नहीं, कुछ बेसिक चीजें देखो ना, बेसिक चीजें कितनी, कितना बड़ा एरर है ये। बेसिक चीजों पे कभी भी गलती मत करो, ठीक है। बेसिक चीज क्या है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, आपका जो लॉस परसेंटेज है, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इन पे वो नहीं होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज। आप क्वेश्चन में गलती कर दो, बट ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये गलत है ना। सो एनीवेज, तो दिस इज हाउ मच, 27, दिस इज 87 प्लस आई थिंक 22.5 होता ना, ये दिस इज 109.5, दिस इज माई ओवरऑल सेलिंग प्राइस, दिस इज माई ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। तो ऑफकोर्स 9.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, 9.5% करेक्ट है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 9.5%, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पहला क्वेश्चन था उसी का उल्टा उल्टे तरह से पूछ लिया है, ध्यान से करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी को उल्टे तरह से पूछ लिया है। ध्यान से करो, मिस्टर अल्फोंसो बाइस 2 लॉट्स ऑफ मैंगोज, ठीक है। एग्जैक्टली जो पहले किया था उसी का उल्टा है। द फर्स्ट लॉट कॉस्ट हिम ₹30 per dozen एंड द सेकेंड लॉट ₹50 per dozen। ही सोल्ड ऑल द मैंगोज एट ₹40 per dozen। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ ही स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन ईच ऑफ द लॉट्स। गाइस आंसर समझ में आ रहा है? ओके, ट्राइंग ट्राइंग, गुड गुड।
Any thoughts? भाई शेल वी ट्राई टुगेदर, क्या करें, साथ में ट्राई करें? देखो फिर से, जैसे उस आपको फर्स्ट एग्जाम्पल याद है ना, उसी का ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका दूसरा तरीका, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी टेक यू देयर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्यू एप्पल्स है ना, 15 फॉर ए रुपी, ठीक है, टू लैट्स ऑफ लॉट्स ऑफ मैंगो, फर्स्ट कॉस्ट हिम 30 पर डजन, इन्होंने एक्चुअल कॉस्ट बता दिया रुपीज पर डजन के हिसाब से, एंड टू एंड देन सेकेंड लॉट ही सोल्ड ऑल ऑफ देम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ ही स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन, इफ ही स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन ईच ऑफ द लॉट्स। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है कि अभी ना हर एक लॉट में उन्होंने सेम अमाउंट स्पेंड किया है। पहले वाले केस में उन्होंने क्या किया था कि सेम नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदे थे, है ना, सेम नंबर खरीदे थे अभी, लेकिन पैसे जो खर्चा किया हर एक लॉट में अलग अलग किया था। देखिए आपको याद है, एक फर्स्ट लॉट में उसने 28 रुपीज खर्चा किया था, सेकंड लॉट के लिए 21 रुपीज खर्चा किया था, यही हुआ था है ना। तो फर्स्ट लॉट में उसने 28 रुपीज खर्चा किया था, सेकंड लॉट में 21 रुपीज खर्चा किया था, बट द क्वांटिटीज दैट दे वर बाइंग इज सेम। यहां पे क्या है, क्वांटिटीज सेम नहीं है लेकिन प्राइस दैट दे पेइंग इज सेम। तो प्राइस जो दोनों के केसेस में पे किया है वो सेम है। तो पहले भी हम लोगों ने एज्यूम किया था, मैं यहां पे भी एज्यूम करूंगा। तो पहले मैंने क्या एज्यूम कर लिया था, ऐसे जो भी नंबर्स मुझे दिख रहे हैं उनका मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि यार ऐसा जैसे ये 30 है और ये 50 है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। सो एलसीएम ऑफ 30 एंड 50 व्हिच कम्स कितना, 150। तो मैं ऐसे कह देता हूं, मैं ऐसे कह देता हूं कि उसने ना सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन जो भी है, ठीक है, पर डजन। तो मैं दिस इज 150 रुपीज स्पेंट ऑन बोथ दी टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप में भी उसने 150 रुपये खर्चा किया, सेकंड टाइप में भी उसने 150 रुपये खर्चा किया, बिकॉज अल्टीमेटली यार हमको आंसर पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में, परसेंटेज क्या है, रेशियो ही तो होती है। तो जो भी आप अज्यूम करेंगे अल्टीमेटली वो कैंसिल ही तो होगा, ठीक है। सो 150 रुपीज, 150 रुपीज इज स्पेंट ऑन बोथ दी लॉट्स। तो मैं अलग अलग कलर कोड से यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट लॉट में लॉट वन है ना, L1 है ना, उसमें आप स्पेंड कर रहे हैं 150 रुपीज, ठीक है, लेकिन आपको पड़ रहा है 30 रुपये पर डजन, 30 रुपया पर डजन। तो नंबर ऑफ डजन्स मतलब कितने डजन्स यहां पे खरीद पाएंगे, कैन आई से 5 डजन्स, है ना। तो 30 रुपये पर डजन, 150 रुपये में विल बी एबल टू बाय 5 डजन्स, ठीक है। दूसरा जो लॉट है उसमें भी यू आर स्पेंडिंग 150 रुपीज, एंड नाउ सेकेंड लॉट में आपको प्राइस कितना पड़ रहा है, 50 रुपीज पर डजन। तो 50 रुपीज पर डजन के हिसाब से 150 रुपीज में आप कितने डजन खरीद पाएंगे, डजन कितने खरीद पाएंगे, 3, तो 3 डजन खरीद पाएंगे। तो टोटल कितने डजन खरीदा हमने, 5 + 3 विच इज 8, सो 8 डजन खरीदा। तो 8 डजन्स टोटल, ठीक है। अभी उसने बोला ही सोल्ड ऑल दी मैंगोज, मैंगोज ऑल ऑल बोथ ऑफ देम, तो जितने भी खरीदे एट 40 पर डजन, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने टोटल 8 डजन खरीदे है ना, और हर सबको ही बेच दिया, और सबको बेच दिया, और हर एक डजन का कॉस्ट कितना, सेलिंग प्राइस कितना रखा है, 40 रुपये। तो 8 डजन का प्राइस कितना हो जाएगा, 8 × 40 विच इज 320, यस और नो, दिस इज माई ओवरऑल सेलिंग प्राइस, यस और नो। 8 डजन आप बेच रहे हो, 8, क्योंकि यहां से 150 रुपये में 30 रुपये पर डजन के हिसाब से आप 5 डजन खरीद पाएंगे, यहां पे 150 रुपये में 50 रुपये पर डजन के हिसाब से आप 3 डजन खरीद पाएंगे, यानी कि आपने यहाँ पे 5 डजन खरीदा, यहां से आपने 3 डजन खरीदा, टोटल 8 डजन खरीदा, उनको बेच दिया, हर एक डजन का प्राइस कितना रखा, 40 रुपये, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 320। अब आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, आपको याद है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका भी 150 रुपये खर्चा किया और इसका भी 150 रुपये खर्चा किया ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 300, सॉरी टोटल कॉस्ट प्राइस इज 300 एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज 320। तो ऑफकोर्स दिस इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज ओवर 300 ना। तो 2/3 होता है 66.66,
सो 2 बाय 30 हो जाएगा 6.66 ना, यस नो, इज दिस ओके? ठीक है, क्लियर है? एनी एनी पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर बताना मुझे, ठीक है? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक रिटेल बुक सेलर बाइज बुक्स एट 58% ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस का मतलब आई होप पता होगा, है ना? ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ मिनिमम ऑफ 20% नेट प्रॉफिट ऑन हिज सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट ही कैन ऑफर टू हिज कस्टमर? ट्राइंग गाइज, ऑल ऑफ यू ट्राइंग, नॉट ट्राइंग टेल मी. एब्सोल्युटली राइट, इट इज 27.5. यस, इट इज 27.5, बिल्कुल सही, बहुत सही, है ना? सो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इज 100 मान लेते हैं या 1000 मान लीजिए, है ना? इजी रहेगा. और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है 580 रुपीज़ हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो 20% निकालना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, राइट?
तो सेलिंग प्राइस कितना होना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस करने के लिए प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, तो कितना 20% नेट प्रॉफिट करना है। सो 20% ऐड कर दीजिए, सो 10% कितना होगा? 5.8 या 58, सॉरी, एंड 58 टाइम्स 2 यानी कि कितना होगा? 58, 116 है ना, 116 जो है नेट प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो 116, तो दिस इज 696, यही है ना? ऑन हिज, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑन हिज सेलिंग प्राइस, मैंने देखा नहीं, ऑन हिज सेलिंग प्राइस, ऑन हिज सेलिंग प्राइस है ना, जो मैंने यहां तक लिखा वो ठीक है? यस और नो? ही अर्न्स कितना? 20% प्रॉफिट ऑन हिज सेलिंग प्राइस। सो 20% प्रॉफिट ऑन हिज सेलिंग प्राइस, यानी कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू कितना? 20%, दैट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू फिगर आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सो कितना हो गया ये? 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी, और एस पी बाय सी पी इज इक्वल टू 5/4, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर होना चाहिए, है ना? तो 1/4 ऊपर होना चाहिए। सो 580 का 1/4 कितना होगा? 4 1 4, 4 4 16, 4 5 20, है ना? सो 6 7, 725 रुपीज़। तो मेरा सेलिंग प्राइस 725 रुपीज़ होना चाहिए। तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ मार्क प्राइस से, क्योंकि इतने में तो बेचना ही बेचना है, तो कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? 2275 रुपीज़ ओवर 1000 रुपीज़ टाइम्स 100 ना, ये सब और ये 10, सो 27.5% इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन ऑफर। यस, एग्रीड? दीपिका, लिस्ट प्राइसेस जैसे क्लाउड ने लिखा है, लिस्ट प्राइसेस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के अलग अलग नाम क्या क्या हैं, है ना? मार्क प्राइस को ऑफ कोर्स मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, है ना, प्राइस, एमआरपी, है ना, ऐसे भी लिखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सो एमआरपी, है ना, ये सब नाम दिए हुए हैं। सो मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, है ना, एमआरपी, ये सारे क्या हैं? आपके मार्क प्राइस ही हैं वो बेसिकली। तो समझ में आ गई? ये तो ठीक है, इज इट ओके? ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ मिनिमम ऑफ 20% नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन हिज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। दिस इज ओके? ये ठीक है भाई? जल्दी से हाँ ना लिख दिया करो ना यार, मैं समझ में नहीं आता कि हाँ ओके। आगे बढ़े, ये देखो, इफ ए शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल्स एट द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस। अगेन लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। सो इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें।
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%. है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है ना. सो वी've got what 20% है ना. सो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, है ना. इस तरह से चार वेरिएबल्स हैं यहाँ पे. सो मार्क प्राइस क्या है, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, मार्क प्राइस के ऊपर. तो मार्क प्राइस अगर मैं 100 ले लेता हूँ, ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी 20% हटा दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज़. देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि किसी भी चीज को 80 रुपये में बेचने पे मुझे 12% प्रॉफिट हो रहा है ना. आई होप यू गेटिंग दिस. तो अगर 12% प्रॉफिट हो रहा है, और तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप निकाल सकते हैं ना कॉस्ट प्राइस की, किसी भी चीज को, वॉशिंग मशीन को अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 80 होगा, बिकॉज ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. नाउ इफ ही इज सेलिंग समथिंग एट 80 रुपीज, तो ऑफकोर्स ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट, बट प्रॉफिट ऑफ 12%. सो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ना. आप बाकी भी कई जुगाड़ लगा सकते हो, बट आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर दीजिए, जैसे भी आपको आंसर निकालना है. सो मेरे पास मार्क प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 80, व्हाट इज माई कॉस्ट प्राइस वेन द प्रॉफिट परसेंटेज इज 12%. आप कई तरह की थॉट प्रोसेस लगा सकते हो, कि आप कह सकते हो कि यार अपना ये जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, दिस इज एक्स इंटू 1.12 इज इक्वल टू दिस, तो यार ये हो जाएगा 80/1.12, ऐसा कुछ ना. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय कॉस्ट प्राइस. मतलब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो आखिरी में एक बार कर लेंगे, बट लेट इट बी. है ना, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड कि यार एवरीथिंग कैन चेंज. सेलिंग प्राइस चेंज हो सकता है, मार्क प्राइस चेंज हो सकता है, बट कॉस्ट प्राइस कभी चेंज नहीं हो सकता ना. क्योंकि कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करके या फिर कम में बेच के आप सेलिंग प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर अपना लेबल कुछ भी लगा दो मन मर्जी का, तो आप मार्क प्राइस भी चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द कॉस्ट प्राइस. सो मेरे को वही आपने यहाँ पे यूज करना है कि व्हाट इज दैट, हाँ, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इफ इट सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% लिस्ट प्राइस. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट, यानी कि अगर उसने 75 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा. ठीक है, तो अभी मेरा कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, इसका वैल्यू कितना बताया दीपिका आपने, 500/70, कन्फर्म है ना, 500 मैं लिख दूंगा, है ना. तो ये 1200/112 कर दो ना, 18 जो भी है, 00 लगा के 112 कर दीजिए. सो 8 से तो जाएगा, 8 1 8 8 4 32, हाँ, तो 500/7 है ना. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 500/7 कुछ 70 के आसपास ही रहता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो रहा होगा. तो व्हाट इज माय प्रॉफिट, दिस माइनस दिस, तो 75 - 500/7 अपॉन ऑफ कोर्स 500/7, है ना. दिस इज व्हाट इज योर प्रॉफिट परसेंटेज, है ना. सो कितना होता है ये, 35 49 525, 525 - 100 इज 25/7 टाइम्स 7/500, ऐसे ही है ना. 5% इवेंचुअली 1/20 आया, 5% आया. ये ठीक है, ऐसा हम जब हम थ्योरी कर रहे थे तभी भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था गाइस. शुड आई डू दिस क्वेश्चन, डू दैट क्वेश्चन, यहां पे भी मुझे वो क्वेश्चन याद है. है ना. सो बेसिकली है ना,
तो बेसिकली ये क्या है, कॉस्ट प्राइस वगैरह ना, तो यहाँ पे इसी चीज़ को जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चेंज करता हूँ, जैसे कि इसी इसी केस को अगर अपने जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था जो थ्योरी में हम लोगों ने किया था, उसमें मैंने कहा था कि यार हाउ मच हायर देन द कॉस्ट प्राइस वी मस्ट मार्क द गुड्स सो दैट इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट ऑफ 20% वी स्टिल मैनेज टू गेट 10% प्रॉफिट। तो अपना जो सामान है कितना ऊपर का लेबल लगाना चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 10% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। हाउ मच, क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिए, हाउ मच हायर देन दी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर लेबल होना चाहिए ताकि सो दैट इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% वी मेक 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। तो डिस्काउंट ऑफ 20% देना है लेकिन उसके बावजूद 10% प्रॉफिट हो जा रहा है, तो मेरा मार्क प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है ना, कितना रखना पड़ेगा। जैसे आप यू नो एग्जांपल सोच लीजिए कि जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, तो दुकान में जाते हो तो अगर वहां पे सेल ऑफर किया है 20% ऑफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नुकसान कर रहा है खुद का, वो ऑलरेडी वो जो लिस्ट प्राइस है, जो लेबल प्राइस है, उसको ऑलरेडी हायर लेबल कर रहा है, ठीक है, ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अभी कितना ऊपर लगाना चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% प्रॉफिट हो जाए। व्हाट इज द आंसर? इफ यू हैव गॉट माई क्वेश्चन, जल्दी से व्हाट इज द आंसर, व्हाट डू यू थिंक? डिड यू गेट द क्वेश्चन? ट्राई कर रहे हो, नॉट ट्राई कर रहे हो, जल्दी से लिखो। क्या आंसर है? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं या फिर डिस्कस चल, चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, सो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 ले लिया है ना, कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, और कितना मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 10%। सो 10% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए मुझे, 10 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो प्रॉफिट मस्ट बी, मतलब एक्चुअल वाले तो प्रॉफिट मस्ट बी 10 रुपीज। तो इफ यू हैव बॉट समथिंग फॉर 100 रुपीज एंड इफ यू सेलिंग इट एट 10 रुपीज, तो आपका सॉरी नॉट गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो डेफिनेटली 110 होना चाहिए। भाई 100 रुपये की चीज़ में 10 रुपये कमाने हैं तो 110 में बेचना ही पड़ेगा ना, तो दिस इज वॉट इज माई सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस 110 कैसे आ रहा है? वो आ रहा है बाय गिविंग मार्क प्राइस के ऊपर 10-20% डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस को 20% से कम करना है, तो इसको मैंने 20% से कम किया। 20% क्या होता है, 1/5, तो 1/5 से कम किया, तो इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को, तो आप क्या होते हैं 1/5 से कम करते हैं, तो 1/4 से बढ़ा देते हैं। सो 1/4 से बढ़ाएंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/4 ऑफ 110। सो 5/4 ऑफ 110 कितना होता है, 1.25, तो 137.5 है ना।
सो 137.5। तो आपका ये रहा मार्क प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। सो योर मार्क प्राइस इज हाउ मच हायर देन द कॉस्ट प्राइस, योर मार्क प्राइस इज हाउ मच हायर देन द कॉस्ट प्राइस, ऑफ कोर्स 37.5%। डिड यू गेट इट? ये समझ में आए? तो ये रिलेशनशिप, जब भी ये कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस, इन सब के क्वेश्चन आए ना, तो ये रिलेशनशिप याद रखोगे, इस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यही चार चीजें, पांच चीजें आपको सुनने को मिलती हैं व्हेन एवर यू लुक एट अ क्वेश्चन ऑन यू नो प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो इन चीजों को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? आप ध्यान में रख लीजिए तो डेफिनेटली आपको आंसर जो है डेफिनेटली आ जाएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है ना, दिस एक्चुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑल दी फोर टर्म्स, है ना? बाकी जो बची चार टर्म्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट कर लेता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट भी सेलिंग प्राइस होता है, वहां से देखा जाए तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट भी सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है? सो इनफैक्ट अगर आप इसी क्वेश्चन में, शायद अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इस क्वेश्चन में ही अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम करके करते तो शायद थोड़ा सा काम आसान हो जाता। जैसे कि इस केस में देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 112, है ना? प्रॉफिट होगा 112, तो मेरा सॉरी प्रॉफिट 12 रुपये, ना प्रॉफिट होगा 12 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली हो जाएगा 112 रुपये, है ना? और मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस के ऊपर मैं कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ? 20%, यानी कि 1/5 से कम किया, तो इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1/4 से बढ़ा देता हूँ मैं। तो 112 को 1/4 से बढ़ा दीजिए, आई थिंक इनफैक्ट अच्छे से ये 4 से डिवाइड भी हो जाता है। सो 4 2 18 एंड 4 8 32, तो 28 से बढ़ा दीजिए तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 140। सो कॉस्ट प्राइस इज 100, मार्क प्राइस इज 140, सेलिंग प्राइस इज 112, दिस इज व्हाट इट इज। एंड एज आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग की एवरीथिंग वुड चेंज अदर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? तो सेलिंग प्राइस 112 है, मार्क प्राइस 140 है, इनको आप कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बट कॉस्ट प्राइस तो चेंज ना हो रही, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? बोलता है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस पर्सन इफ वी सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। सो प्रॉफिट कितना है, सॉरी मार्क प्राइस कितना है? 140, राइट? तो इसको अगर मैं डिस्काउंट भी बेचूंगा, कितने पे? 25% के डिस्काउंट भी बेचूंगा, तो 25% कितना होता है इसका? 1/4, है ना? सो 4 3 12 एंड 4 5 35, है ना? सो कितने बेचूंगा? 105 में बेचना पड़ेगा ना, माई सेलिंग प्राइस हैज टू बी 105। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100, और 105 में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली यार 5% प्रॉफिट हो रहा है ना? ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही है ना, ये वैसे ही तो क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। नहीं है तो प्लीज जल्दी से मुझे चैट में लिखते जाइए कि नहीं क्लियर नहीं है, या फिर क्लियर है तो कीप टेलिंग मी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 20%, अ ट्रेडर हु डिड नॉट रिवाइज द सेलिंग प्राइस नोटेड दैट देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ रुपीज 20 इन हिज प्रॉफिट, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? व्हिच पार्ट इज नॉट क्लियर दीपिका? वो एक्सप्लेन करो, मतलब कौन सा पार्ट नहीं क्लियर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन फिर से करना है। या फिर शुड वी डू द एंटायर क्वेश्चन? क्लाउड गेमिंग अगर करेक्ट, अगर क्लियर है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है? तब तक वी कैन डिस्कस विद दीपिका। हाँ बताओ दीपिका, विच पॉइंट इज नॉट क्लियर? या फिर पूरा क्वेश्चन फिर से करना है वो भी बताओ। लास्ट पार्ट देखो ना, लास्ट पार्ट आपको ये याद है, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया था, वो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया था 100, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 एज्यूम किया था, प्रॉफिट 12 रुपये का होने वाला बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज 12% है, तो सेलिंग प्राइस 112 होना ही चाहिए। अभी सेलिंग प्राइस 112 है, और हुआ ये कि ये 112 तक पहुंचे कैसे?
आपको बताया था थोड़ी देर पिछली स्लाइड में, मैंने बताया था, वहीं लेके चला जाता हूँ आपको, मैंने मिटा दिया ना, हाँ शायद। सो आपको मालूम है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट भी सेलिंग प्राइस होता है ना, तो सेलिंग प्राइस 112 है, तो कितने से कम किया मार्क प्राइस को, 1/5 से कम किया है। तो वन, आपको याद है वो फ्रैक्शनल चार्ट जो हम लोगों ने परसेंटेज में करा है कि 1/5 से कम करेंगे तो 1/4 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/4 ऑफ 112 होता है 28, तो 28 से बढ़ाएंगे तो आपका मार्क प्राइस कितना मिल जाएगा, 140। अभी यार उस लास्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसने कहा कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो मार्क प्राइस तो मेरा है 140, सेलिंग प्राइस 112 और कॉस्ट प्राइस 100 ना, तो डिस्काउंट देना है 25% का ऑन लिस्ट प्राइस, है ना, मार्क प्राइस। सो डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट इज 25% ऑफ 140, 35 होता है ना, तो 35 इज माई डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज 105 इज माई सेलिंग प्राइस ना, दिस इज माई न्यू सेलिंग प्राइस, बट माई कॉस्ट प्राइस वुड नेवर चेंज विच वॉज स्टिल 100। तो हाउ मच डिड यू गेन, 100 रुपये की चीज़ है 105 में बेचोगे तो ऑफकोर्स 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा ना ओवर 100, विच इज इक्वल टू कितना, 5%। आई होप इट इज क्लियर गाइस। क्लियर है? लुक एट दिस क्वेश्चन, क्लाउड गेमिंग एब्सोल्युटली राइट, इट इज 100, बिल्कुल सही है। सो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 20%, अ ट्रेडर हु डिड नॉट रिवाइज। अच्छा मुझे लगता है कि 100 एज्यूम करके भी हो जाएगा, राइट, है ना, 100 एज्यूम करके भी हो जाएगा, क्योंकि यही यही पहली चीज ना इंक्लिनेशन आती है कि अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे, बाद में कंपेयर कर लेंगे यार, 100 रुपीज का प्रॉफिट है मान लीजिए, तो 100 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस है, और क्या मुझे कितना प्रॉफिट, कमोडिटी का कॉस्ट कितना बढ़ाना है, 20% कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है, 120, ठीक है। अ ट्रेडर हु डिड नॉट रिवाइज द सेलिंग प्राइस नोटेड दैट देयर वाज अ ड्रॉप इन द प्रॉफिट ऑफ ₹20, ठीक है। सो पहले अगर 100 था कॉस्ट प्राइस, अब मेरा नया कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है, नया CP1 ले लेते हैं, ठीक है, नया कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है, 120। तो अभी व्हाट वाज द प्रॉफिट पहले, 20, है ना, व्हाट वाज द प्रॉफिट, 20, और अभी दिख रहा है ना यहां से 120, नॉट 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 120, हाँ अभी प्रॉफिट दिख रहा है गाइस यहां पे, है ना, 20 रुपीज का, ये पहला ओल्ड कॉस्ट प्राइस है, ये नया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, दिस इज 120 न्यू कॉस्ट प्राइस, आई थॉट इट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है, बट अभी क्या है, सेलिंग प्राइस हु डिड नॉट रिवाइज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उतना ही है जितना पहले था SP, ठीक है। सो अभी यार पहले मेरा प्रॉफिट कितना होता था, SP-100, SP-100 ना, दैट वाज माय प्रॉफिट, अब मेरा प्रॉफिट कितना है, SP-120,
है ना। तो ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट से 20 कम है, दिस वैल्यू इज लेस देन दिस बाय 20। तो दिस माइनस दिस आप करेंगे तो SP माइनस 100 माइनस SP प्लस 120 आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि माइनस 100 प्लस 120 यानी कि 20 रुपीज का ड्रॉप हुआ ना। मतलब जो हमने एज्यूम किया था ओरिजिनल क्रॉस प्राइस टू बी 100 वो सही है ना। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फिर से देखिए कि कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मैंने 100 एज्यूम कर लिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस अभी बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया कितने से, बाय 20%। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 120। सेलिंग प्राइस उतना ही रखा, ठीक है, ही डिड नॉट चेंज द सेलिंग प्राइस बिकॉज ही डिड नॉट रिवाइज द सेलिंग प्राइस। मतलब यार ऑफकोर्स यू नो कीमत बढ़ गई खरीदने की, तो ऑफकोर्स बेचने की कीमत उतने रखी, तो देर वुड बी ड्रॉप इन द प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट कितना होता था, ज्यादा होता हुआ ना, क्योंकि अभी पहले कॉस्ट प्राइस कम था, तो पहले कॉस्ट प्राइस कम था, अभी कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, तो पहले जो प्रॉफिट था वो अब जो प्रॉफिट है वो उससे ज्यादा था। तो सेलिंग प्राइस माइनस 100, सेलिंग प्राइस माइनस 100 वॉज दी ओरिजिनल प्रॉफिट, नाउ द न्यू प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस 120। इनके बीच में जो गैप है उसने 20 बताया है, तो कैंसिल करके जो वैल्यू आ रही है वो भी 20 आ रही है, यानी कि जो हमारा अजम्पशन था वो ठीक था। ये ठीक है ना, इज दिस एक्सप्रेशन फाइन, क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, इज दिस एक्सप्लेनेशन फाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये एज्यूम करके करो, आप एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इसकी जगह पे कुछ और एज्यूम करते तो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपना मैं अगर मैंने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर मैंने मान लीजिए 5 एज्यूम किया होता, 5 ठीक है, इफ नॉट नथिंग एल्स, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मैंने कितना एज्यूम किया, 5, तो मेरा नया कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6, बिकॉज इट इज इंक्रीज बाय 20%। लेकिन सेलिंग प्राइस तो SP ही रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो वट वॉज माई ओरिजिनल प्रॉफिट, SP माइनस 5 है ना, SP माइनस 5 इज माई ओरिजिनल प्रॉफिट, बट द न्यू प्रॉफिट इज नाउ SP माइनस 6। ना दिस SP माइनस 5 इज ग्रेटर देन दिस ना, या फिर SP माइनस 6 इज लेस देन SP माइनस 5, राइट, ड्रॉप हो गया, कम हो गया प्रॉफिट। तो दिस माइनस दिस कितना है वो देखते हैं, बट हमको दिख रहा है कि यार ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज SP माइनस 5 माइनस SP प्लस 6, ये कैंसिल होगा, तो मुझे ना मेरे प्रॉफिट में कितने की ड्रॉप आई, 1 की, हमारे अकॉर्डिंग, हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग दिस इज ड्रॉप ऑफ 1 रुपी, बट एक्चुअल में कितना ड्रॉप है, 20 रुपीज। तो 1 को क्या बनाना है, 20, तो 1 को 20 बनाने के लिए 20 ही मल्टीप्लाई करना पड़ता होगा, तो 20 मेरा क्या बन गया गाइस, कॉमन फैक्टर जो हम लोग रेशियोज में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे ही कॉमन फैक्टर आ गया, तो अभी जो भी अजम्पशन वाली वैल्यूज हैं उनके साथ आप 20 20 मल्टीप्लाई करते जाइए, तो यू वुड गेट दी ओरिजिनल वैल्यूज। तो 20 टाइम्स 5 है ना, कर दोगे तो ये 100 आ जाएगा ना, दैट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, बाद का कॉस्ट प्राइस 120 हो गया था, वगैरह वगैरह। यस और नो, नाउ टेल मी, टेल मी, इसमें से ना है ना, कैन वी फाइंड आउट दी सेलिंग प्राइस, कैन वी फाइंड आउट दी सेलिंग प्राइस, टेल मी, कैन वी फाइंड आउट दी सेलिंग प्राइस। क्या इसमें हम लोग सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं,
Guys, next question. A shopkeeper marks an item for the sale of at rupees 850 and then gives a discount of 20% on it. The item cost the shopkeeper rupees 500 when he purchased the same from the wholesale. What is the profit in percentage earned by the shopkeeper? A shopkeeper marks an item फॉर सेल एट रुपीज 850, ठीक है, तो यानी कि मार्क प्राइस इज 850, है ना। सो इफ द मार्क प्राइस इज 850, कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 लिख दिया। बोलता है कि एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑन इट, सो डिस्काउंट ऑफ 20%। सो डिस्काउंट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 20%, यानी कि 170 रुपीज, ठीक है। तो 0 8 एंड दिस इज 680 रुपीज़। तो 680 मतलब, सॉरी, डिस्काउंट इज 170 बट सेलिंग प्राइस इज 680 ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। सो दिस इज सेलिंग प्राइस इज 680 बिकॉज डिस्काउंट इज 170, ठीक है ना। एनी वेज, सो वेन यू परचेज द सेम, वट इज द प्रॉफिट? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक 500 रुपये की चीज़ 680 रुपये में बेच रहे हो, तो ऑफकोर्स 180 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ओवर, सॉरी, हाँ, 180 का ओवर 500, है ना, 36% ना, क्योंकि हम जानते हैं 1/50 इज 2%, तो 2 × 18 कर देंगे चुपचाप। 2 × 18 कितना होता है? 36, तो 36% प्रॉफिट हो रहा होगा ओवरऑल। गाइज, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसलिए आई डिड नॉट गिव यू इतना तकलीफ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन। फ्री वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ये फ्री वाला, ऐसे नहीं ना कि ये फ्री डिस्काउंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल के वो फ्री भी कुछ कहने लगता है, तब आपको मतलब समझना है। तो बोलता है, द एंटेबिल शॉप ऑफर्स दैट गेट अ टी शर्ट फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 3 टी शर्ट्स, तो 3 पे 1 फ्री, बट दे मार्कअप द प्राइस ऑफ द टी शर्ट्स बाय 60%, है ना। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता ना, है ना। दिखाने में मार्क प्राइस ऊपर बढ़ा दिया 60%, सो 60% ऊपर बढ़ा दिया, फिर बोल दिया डिस्काउंट दे रहे हैं। इफ द कस्टमर बाइज 3 टी शर्ट्स देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द स्टोर? एनी थॉट्स? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना। द एंटेबिल शॉप ऑफर्स दैट गेट अ टी शर्ट फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 3 टी शर्ट्स, सो 3 टी शर्ट्स पे 1 टी शर्ट फ्री, दिस इज व्हाट वी हैव, 3 टी शर्ट्स पे 1 टी शर्ट फ्री। नाउ इट इज गिवन कियर, बट दे मार्कअप द प्राइस ऑफ द टी शर्ट्स बाय 60%, ठीक है भाई, मार्कअप। अच्छा, एक और चीज है गाइस ना, ये जो मार्कअप है ना, ये आपको समझना है। मार्कअप परसेंटेज किसे कहते हैं? मार्कअप परसेंटेज उसे कहते हैं कि आपका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है। योर मार्क प्राइस इज हाउ मच हायर देन दी कॉस्ट प्राइस इज योर मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। तो कन्वेंशनली जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। सो कॉस्ट प्राइस विल अज्यूम इट टू बी 100 और मार्क प्राइस ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 160%, बिकॉज ये दिस इज फॉर एवरी टी शर्ट, राइट। सो कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड मार्क प्राइस इज 160 फॉर एवरी टी शर्ट, तो क्योंकि मार्कअप परसेंटेज इज 60%। नाउ द कस्टमर इज बाइंग 3 टी शर्ट्स, थिंक अबाउट इट, वो 3 टी शर्ट्स खरीद रहा है, तो आपका जो शॉपकीपर है उसको जो है वो मिल रहा है ना, शॉपकीपर जो है गाइस उसको ना 3 टी शर्ट्स का ही पैसा मिल रहा है, लेकिन 1 टी शर्ट जो है उसको फ्री में मिल रही है
है ना, फ्री में दे रहा है, तो एक टी शर्ट जो फ्री में दे रहा है, यानी कि वो जो पैसा गया उस पर कुछ नहीं मिल रहा है, वो जो पैसा गया उस पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो तीन टी शर्ट्स की आपने कीमत कितनी रखी है, 160 रुपीज़। इज ही ऑफरिंग एनी डिस्काउंट? डिस्काउंट भी ऑफर नहीं कर रहा है। तो 160 रुपीज़ उसने कीमत रखी है गाइस, तो 160 रुपीज़ उसने कीमत रखी है एक टी शर्ट की। लेकिन तीन टी शर्ट, अगर आप तीन टी शर्ट के ऊपर एक टी शर्ट फ्री देंगे, तो पैसा तो आपको वो तीन टी शर्ट ही वापस लेके देंगी ना। तो फॉर थ्री टी शर्ट्स इट वुड बिकम कितना, 480 रुपीज़। यस और नो? फॉर थ्री टी शर्ट्स 480 रुपीज़। नाउ दिस इज द कॉस्ट, मतलब इतना पैसा आपको रिटर्न में आएगा ही आएगा। दिस इज द मनी दैट यू वुड गेट बैक, दिस इज योर रेवेन्यू। नाउ ये जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि मुझसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है, तो हमको सिर्फ एकदम फोकस हम लोग रहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज तो हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस मेरे को, ओवरऑल रेवेन्यू तो आ चुका है मेरा 480 रुपीज़, मेरे को बस ओवरऑल कॉस्ट निकालना है। तो मेरे को यार, मैं दे तो रहा हूँ, ये एक टी शर्ट तो फ्री दे रहा हूँ ना, लेकिन मतलब इसकी भी कॉस्ट मुझे तो पड़ी होगी। तो मैं बेसिकली 400 थ्री टी शर्ट प्लस 1 टी शर्ट, यानी कि एक टी शर्ट, यानी कि इंटू फोर, यानी कि 400 रुपये मेरा खर्चा हुआ इन चार के ऊपर, लेकिन वापस मुझे मिले 480 रुपये, यानी कि आई एम गेनिंग 80 रुपीज़ ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400। सो 8/40 कह लीजिए, है ना, तो 1/5, 1/5 कितना होता है, 20% ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज 480 इज मोर देन 400। गाइस ये क्लियर है? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेल मी गाइस, जल्दी से यस नो जल्दी से लिख दीजिए। क्लाउड गेमिंग कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट 33.33%। डिस्काउंट 33% लेके हो जाएगा, करे तो हो जाएगा क्या? यस यस, मैंने 100 100 ले लिया, देखो 33.33% की जगह पे मैंने 100 100 ले लिया, तो काम आसान बन गया ना। जैसे कि आप जो कह रहे हैं वो भी परफेक्टली फाइन है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक तरह से सेलिंग प्राइस है वो 160 ही रहेगा। सेलिंग प्राइस वुड बी 160 रुपीज। मतलब चार टी शर्ट, आप उस तरह से सोचा जाए, चार टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस, या चार टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस अगर आप, या चार टी शर्ट का मार्क प्राइस 4 रुपये होगा, तो ऑफकोर्स मैं एक टी शर्ट फ्री दे रहा हूं, यानी कि 1 रुपी आई एम गिविंग अ डिस्काउंट टू वन ओवर क्या होगा, 1/3 होगा या 1/4 होगा? ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 100 100 लेके कर लिया, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे ना। ठीक है, गुड इनफ। इसका आंसर क्या होगा, टू हॉर्सेस हॉर्सेस
was sold for 12,000 each, one at a loss of 20%, other at a gain of 20%. The entire transaction resulted in how much profit or loss percentage? है ना, ये तो हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया था क्लास में. द हॉर्सेस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना, तो वेन एवर द सेलिंग प्राइस इज सेम दोनों केसेस में, है ना, 12,000 ईच, वन एट ए लॉस ऑफ 20%, अदर एट ए गेन ऑफ 20%. तो इस केस में हमेशा मेरे को ओवरऑल लॉस ही होता है, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 100%, है ना. सो पी स्क्वायर बाय 100% का हमेशा लॉस ही होता है. सो पी स्क्वायर, यहाँ पे पी कितना है, परसेंटेज, तो 20 स्क्वायर यानी कि 400 बाय 100 वुड गिव अस 4% का लॉस. नाउ अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा परेशान करता है, एक काम करते हैं, थोड़ा साथ में कर सकते हैं. तो बोल रहा है कि ऑन गिविंग 3 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 5 पेंस बॉट, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड ऑन गिविंग 6 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 2 पेंस बॉट, ही सफर्स द लॉस ऑफ 25%. फाइंड अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द शॉपकीपर व्हेन ही गिव्स 4 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 6 पेंस बॉट, है ना. पेंसिल सारे सेम है, ठीक है, बोथ द केसेस अप्लाइज टू बोथ द केसेस, ठीक है. नहीं नहीं हुआ तो मैं काम करता हूं. क्योंकि यार अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल अलग अलग होगा ना, क्योंकि यहां पे मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यार अज्यूम जब हम करते हैं ना तो एक वैल्यू को पकड़ते हैं और उसी को आगे तक लेके जाते हैं, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. बट यहां पे मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूं, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई के टर्म्स में खेलना पड़ेगा. तो जैसे कि कॉस्ट है, नहीं दे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ अ पेन, है ना, एंड वन वन पेन, ऐसा, एंड वन पेंसिल, ऐसे ले लें कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन पेन वन पेंसिल भी, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है. क्योंकि पेन बेच रहा है ना, पेन भी बेच रहा है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन मैं ले लेता हूँ, लेट्स से सी. गाइस आर विजिबल, एक सेकेंड, एम आर विजिबल,
हाँ लाइट लाइट चली गई यार। ठीक है बट एनीवेज ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि एक पेन का कॉस्ट है एक पेंसिल का कॉस्ट है बी, और सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन इज लेट्स से सी। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि थ्री पेंसिल्स फ्री विद एवरी फाइव पेन्स बॉट, है ना। तो कैन वी सी दस कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री पेंसिल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री पेंसिल्स कितना एंड एंड फाइव पेन्स कितना होगा। थ्री पेंसिल्स एंड फाइव पेन्स, थ्री फाइव ए प्लस थ्री बी, फाइव ए प्लस थ्री बी। ठीक है, सो अभी यार जो आप क्योंकि पांच पेंस बेच खरीदे थे आपने, उसके ऊपर आपने थ्री पेंसिल्स फ्री दे रही है, तो पांच पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, फाइव सी ना, क्योंकि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना लिया है सी, तो पांच पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, फाइव सी, यस और नो। एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन गिविंग मेक्स अ ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 20%, है ना। सो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, एक सेकेंड, सो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना। सो 20% यानी कि आपके जो टोटल कॉस्ट है उसको 20% से बढ़ाना पड़ेगा। सो टोटल कॉस्ट है कितनी, ये वाली टोटल कॉस्ट है ना, फाइव ए प्लस थ्री बी को आप 20% से बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज व्हाट वी गेट। ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है, इसको कीप इट एज इट इज, या है ना चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, फिर आगे क्या लिखते हैं कि एंड ऑन गिविंग सिक्स पेंसिल्स एंड सिक्स पेंसिल्स फ्री विद एवरी टू पेंस बॉट ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। तो सिक्स पेंसिल्स एंड टू पेंस बॉट, सो टू पेन का टू ए, सिक्स पेंसिल्स का सिक्स बी, इतना आपका कॉस्ट बैठ जाएगा। सो टू ए प्लस सिक्स बी, सो टू ए प्लस सिक्स बी, है ना, दिस इज द टोटल कॉस्ट ना। टू ए प्लस सिक्स बी जो है गाइज, यहां पे इसके ऊपर क्या हो रहा है ना, उसके ऊपर क्या हो रहा है कि 25% का लॉस हो जा रहा है, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस को आपने 25% से कम करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 3/4 रह जाएगा। 25% से कम करेंगे यानी कि 1/4 हटाए, 1/4 हटाएंगे तो 3/4 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस। और सेल क्या कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ टू पेंस ना, फाइव एंड एंड सिक्स पेंसिल्स फ्री दे रहा है, तो टू पेंस ही बेच रहा होगा। सो टू सी के ऊपर दिस इज व्हाट वी गेट। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन क्लियर है, या फिर शुड आई रिपीट दिस, थोड़ा सा टीडियस है इस क्वेश्चन, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा टीडियस है, बट मुझे बताओ यहां तक ठीक है क्या। ओके मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लुक एट दिस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि यार आपके पास ना, आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, ऑन गिविंग थ्री पेंसिल्स फ्री विद एवरी फाइव पेंस बॉट, सो फाइव पेंस बॉट यू गिविंग थ्री पेंसिल्स फ्री। तो आप जो है अगर किसी शॉपकीपर से कुछ सामान खरीद रहे हो, अगर आप पांच पेन खरीदते हो तो तीन पेंसिल फ्री देता है, और ऐसा करने से उसको 20% प्रॉफिट होता है। तो सोचिए थोड़ा कि यार पांच पेन आप खरीदने गए, उसकी जगह उसके साथ साथ तीन पेंसिल्स फ्री मिल गए, तो जो कॉस्ट बैठी ना, जो कॉस्ट बैठी वो तो सबकी बैठी होगी, क्योंकि इसके लिए भी तो शॉपकीपर ने पे किया होगा ना किसी को, और इसके लिए भी पे किया होगा, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट बैठी होगी। लेकिन सेल तो सिर्फ वो आप इसी इसी पे पैसे कमा रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस तो सिर्फ इसी पे मिल रहा है, पांच पेन बेचने पे ही मिल रहा है।
तो मैंने जो वेरिएबल्स एज्यूम किए वो मैंने बोला कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस ए है और एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस बी है मान लेते हैं, और एक पेन का सेलिंग प्राइस आपने सी मान लिया। ये ऊपर वाले क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ अब आप देखिए, क्योंकि आप 5 पेन्स बेच रहे हैं उसके ऊपर आप 3 पेंसिल फ्री दे रहे हैं, तो मैं कॉस्ट को देखूं, कॉस्ट को देखूं तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़, क्योंकि 3 पेंसिल आप दे रहे हैं ना फ्री, और ये 5 पेन भी आप फ्री दे, 5 पेन भी दे रहे हैं, यानी कि टोटल आपका खर्चा, आपकी जेब से कितना सामान गया, 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, यानी कि टोटल कितना गया, 5A+3B ना, 5 पेन, यानी एक पेन का कॉस्ट कितना था ए, तो 5 पेन का कितना हो 5A, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना था थ्री बी, और तो 3 पेंसिल का कितना हो गया 3B, तो 5A+3B क्या बन गया, टोटल कॉस्ट ऑफ वट एवर यू सोल्ड ना। ऐसा कर, आपको पता है ना कि कॉस्ट को जो प्रॉफिट परसेंट, ऐसा करने से उसने 20% प्रॉफिट कमाया। आपको पता है ना कि कॉस्ट को क्या कहते हैं अपना, उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस बनता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस बनता है, तो कॉस्ट को कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं हम लोग, 20% से। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर करोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस को 20% यानी कि 1/5 से बढ़ाओगे या फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा ना। तो कॉस्ट तो ये रही 5A+3B, उसके ऊपर मैंने 1.2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को वो सेलिंग प्राइस के बराबर बन गया, तो इज इक्वल टू 5C रख दिया मैंने ना। 5C अगर आप देखें, 5C मैंने यहाँ रख दिया ऑल्दो, लेकिन आप एक चीज पर ध्यान दें कि 5C मैंने यहाँ रखा है, ये क्या है, सी क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, क्योंकि मैं बेच तो रहा हूं एक पेन, 5 पेन बेच रहा हूं ना, क्योंकि पैसे तो मुझे इन 5 पेन के मिल रहे हैं, इन पेंसिल्स के कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे ना मुझे, तो दिस इज माय सी इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, तो 5C इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंस। तो ऐसा करने से मुझे दिस इज वन इक्वेशन दैट वी गेट। सिमिलर कहानी उसे दूसरे तरीके से की, बोलता है कि फॉर एवरी 2 पेंस बॉट ही इज गिविंग 6 पेंसिल्स फ्री, तो 2 पे उसने 6 पेंसिल देना शुरू कर दिया, अगर आप 2 पेन खरीदोगे तो 6 पेंसिल फ्री, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना है 2A, 6 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 6B, और उससे मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो 25% का लॉस हो रहा है, तो उसको कम करना, तो जो भी लॉस परसेंटेज है वो भी कॉस्ट, वो भी तो इसी के ऊपर कैलकुलेट होगी ना, जो लॉस परसेंटेज है वो भी तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, तो इसको, इस चीज को मैंने 25% से कम कर दिया, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 25% यानी 1/4 से हटा दिया, यानी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कम कर दिया, और कम करने से क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस ना, एंड वॉट वॉज माई सेलिंग प्राइस, बिकॉज आई एम सेलिंग ओनली 2 पेंस नाउ, आप पैसे दोगे 2 पेन के 6 पेंसिल फ्री मिल जाएगी, तो उसको मिलेगा तो 2 पेंसिल का ही पैसा ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग 2 पेंस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज सी, तो 2 पेंस वुड बी 2C। ये बात क्लियर हो रही है, दिस इज अनदर इक्वेशन दैट वी गेट। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा गाइस कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, डोंट यू थिंक सो, वो ठीक रहेगा, लेट्स डिवाइड दी फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकंड वन, है ना, इसको तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, वी कैन गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी ना, तो मैं फिर से आपके लिए यहां लिख देता हूं, सो 5C इज इक्वल टू 5A+3B, है ना, 5A+3B टाइम्स 1.2, 1.2 को आप 6/5 लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, और 2C इज इक्वल टू 2A+6B टाइम्स 3/4, तो आई डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 5/2 इज इक्वल टू है ना 5A+3B अपॉन 2A+6B, है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा 6/5 टाइम्स 4/3, है ना, ठीक है ठीक है। सो इसको यहां वहां कर देते हैं, दिस इज 15/2 तो इधर उधर ना, तो दिस इज 15/5 75 डिवाइडेड बाय 24/48 इज इक्वल टू 5A+3B अपॉन 2A+6B, ठीक है।
सो क्या करें, 3 से जाएगा, हाँ 25/16, 25/16, तो वी गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, सो विच इज हाउ मच, 25/2 इज कितना, 50 ए प्लस 25/6 इज 150 बी इज इक्वल टू 16/5 = 80 ए प्लस 48 बी, ठीक है, अरे यार डिलीट हो गया मेरे से, व्हाट वाज दैट, 25/16 ना, 25/16 इज इक्वल टू 5a + 3b / 2a + 6b था ना, है ना, वो डिलीट हो गया, आई एम रियली सॉरी यार, वो गलती से है ना, सो दिस इज हाउ मच, 50a + 150b इज इक्वल टू 80a + 48b, तो a's एंड b's ऑन वन साइड, तो 150 - 48, 52, 102, 102b इज इक्वल टू 30a, है ना, सो a/b, तो 102/30, काफी जाएगा ना, 3 34/10, 6, हाँ 17/5, a/b 17/5, यस और नो, है ना, तो a/b 17/5, आगे गेम क्लियर है, तो सेलिंग प्राइस मेरे से पूछा क्या है, लुक एट द क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बोलता है फाइंड अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द शॉपकीपर व्हेन ही गिव्स 4 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 6 पेंस बॉट, 4 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 6 पेंस बॉट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेड, तो 4 पेंसिल्स फ्री दे रहा है 6 पेंस खरीदने पे, सो नो, सेलिंग प्राइस ऑफ सिक्स सिक्स पे आपको जो पैसे मिलेंगे वो 6 पेंस के ऊपर ही मिलेंगे ना, जो पैसे मिलेंगे क्योंकि आर गिविंग्स 4 पेंसिल्स फ्री, ठीक है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना था गाइस, सी, तो 6 पेन का कितना होगा, 6c, ये सुनो, है ना, 6c, नाउ 6c कितना होगा, अब 6c जो है उसकी उसके ऊपर मैं कुछ प्रॉफिट ऐड करूंगा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अभी मैं बाकी बातें बात नहीं करता, बट पहले ये देखिए कि 6 पेंसिल्स 6 पेंस बेचने पे 4 पेंसिल्स फ्री मिल रही हैं, तो 6 पेन का कॉस्ट भी बैठेगा और 4 पेंसिल का कॉस्ट भी बैठेगा, तो कहना ऐसे 6a + 4b, 6a + 4b, है ना, दिस इज व्हाट इज माई कॉस्ट, और ये मेरा क्या है, 6 पेन का सेलिंग प्राइस, 6 पेन बेचने में जो इतना पैसा मिल रहा है वो ये रहा, और 6 पेन और 4 पेंसिल का कॉस्ट ये रहा, इसके साथ प्रॉफिट कितना होगा वो हमें पता करना है, राइट, या हमें जो प्रॉफिट कितना होगा वो हमें पता करना है, जस्ट ऐसे कंपैरिजन, तो अभी यार मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये डेटा है कि 2c इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, 2c इज इक्वल टू 0.75, है ना, 0.75 2a + 6b, राइट, या फिर आप चाहो तो 2 डिवाइड भी कर सकते हो यहां से, ना, सो मैं इसको आपके लिए कर देता हूं, तो c इज इक्वल टू a + 3b टाइम्स 3/2, है ना, सो या तो फिर 2c इज इक्वल टू दिस बाय 3 कर दीजिए,
है ना, ऐसे रहने दीजिए, 2c इज इक्वल टू ए प्लस 3b टाइम्स 3, तो 6c कितना होगा, व्हाट इज 6c, अगर ये इतना है 2c इज इक्वल टू ए प्लस 3b टाइम्स 3, तो 6c कितना होगा, मतलब इस इक्वेशन के साथ आप इंटू 3 करोगे तो इधर भी इंटू 3 हो जाएगा ना, सो 9 टाइम्स ए प्लस 3b बनेगा, ये भी 6c है ये भी 6c है, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो 6a प्लस 4b टाइम्स p इज इक्वल टू ए प्लस 3b टाइम्स 9, ठीक है। और आपको ना a और b में रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है, 17/5, यस नो, a और b में ऑलरेडी रिलेशनशिप पता है a और b में, और यहां पे एक और एक्सप्रेशन है, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए 5a इज इक्वल टू 17b, ऐसे लिख सकते हैं 5a इज इक्वल टू 17b, तो a को इन टर्म्स ऑफ b यहां लिख दीजिए और यहां पे भी लिख दीजिए, तो आपको a और b दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी ना, यस और नो, इफ यू नो योर ए एंड बी तो एक्सप्रेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा उसके आगे। ठीक है, हर्ष मैंने बताया था ना कि रफली मेरा मेरा जो प्लान है कि 45 के आसपास से ना, 45+ समझ लीजिए कुछ भी है ना, 44-45 के आसपास जो है, अगर आपका क्या कहते हैं वो है स्कोर है, तो बहुत ही सेफ जोन में हो जाओगे आप SIBM पुणे के लिए, ठीक है, बहुत ही सेफ जोन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज माय दिस थिंग, यस 45+, क्योंकि पेपर इजी था, इट वाज नॉट टू डिफिकल्ट, तो 45+ में आप यू विल बी इन अ सेफर जोन, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और कि जैसे आपका टारगेट था SIIB ना, तो थोड़ा सा उसके पीछे जाएगा, आपने कितना 37 अटेम्प्ट किया है ना, 35 36 37 अटेम्प्ट किया है ना, तो अगर उसमें एक्यूरेसी अच्छी है तो इट्स अ गुड चांस, बट अभी मुझे लगता है कि वो सब छोड़ के अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे लो, बिकॉज बेस्ट ऑफ टू ही होगा, तो जो गलतियां इस बार की वो गलतियां अगली बार मत करना। मैं तो कह रहा हूं कि अगले जो भी टाइम आ रहा है उसमें क्वांट के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वर्बल की वोकैबुलरी पे ध्यान दे दो। यस यस, मैं वही कह रहा हूं, 45+ पे बहुत सेफ जोन हो जाएगा, मतलब कंसिडरिंग ये वाला पेपर ना, 45+ जो है क्लाउड गेमिंग चल रहा है एग्जाम यार, एग्जाम चल रहा है अभी तक ना, वो पहला स्लॉट ही कंप्लीट हुआ है, अभी जनवरी में 6 तारीख को और 9 तारीख को, ठीक है, लेकिन अच्छे से फाइट मारना शुरू कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन जो है लेंदी वेंदी हो गया है, बट आपको समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है। यहां पे 6a+4b टाइम्स p है और इज इक्वल टू a+3b टाइम्स 9 है, यहां पे ए और बी का एक्सप्रेशन है, दोनों ए और बी आ जाएंगे तो वी कैन फाइंड आउट दी प्रॉफिट परसेंटेज। यस गुड, ठीक है, वही कह रहा हूँ, वर्ड पार मेड इजी, रैन मार्टिन जो भी है, आपके जितने भी वोकैबलरी बिल्डअप कर सकते हैं, जितने भी एजुकेटर्स जो वोकैब करा रहे हैं उनके कोर्सेज कर लो, ठीक है, न्यू वर्ड्स लर्न एज मेनी एज न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, ठीक है। चलो गाइस, लेट मी मॉडर्न मैथ, यस मॉडर्न मैथ में PNC प्रोबेबिलिटी आता है ना, यू वुड फाइंड वन और टू क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते,
सो यू नो अबाउट द चैनल गाइस, सो वी कवर ऑल द एरियाज एंड स्ट्रेटजीज. अगर आप अरिथमेटिक के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं प्लस पे, तो आई हैव लॉन्च्ड अ वीकेंड कोर्स वेयर वी मीट एवरी वीकेंड फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, ठीक है, एंड विल बी कंडक्टिंग रिवाइजर्स ऑन यूट्यूब. गाइस दीज आर दी अनअकैडमी प्लस पे जो है, दीज आर दी प्लस बैचेस, देर आर न्यूली लॉन्च बैचेस टू लुक आउट फॉर गाइस. तो द फर्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन दिस इज 20, आज ही स्टार्ट हुआ है गाइस. तो दीज आर दी फैकल्टीज, दीज आर दी एजुकेटर्स, यू नो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू अटेंड देयर कोर्सेज, तो यू कैन यू नो, अगर आप उनको इनके कोर्सेज को अनलॉक करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द कोड DJ10, ठीक है. यू कैन यू नो वॉच उनके मल्टीपल कोर्सेज, या फिर प्लस कोर्स एज एज सच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एनरोल करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द कोड DJ10, ठीक है. बिकॉज आइडिया ये है कि अगर आप ऐप पे पहली बार हो, तो आपको वो अनलॉक करने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेशल क्लासेस यू नो इस तरह के. और अगर आपने एनरोल करना है प्लस बैचेस में, तो यू मस्ट यूज दिस पर्टिकुलर कोड DJ10, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट बैच दैट वी जस्ट स्टार्टेड टूडे, ठीक है. एंड दिस इज द सेकेंड बैच गाइस, जो अगर आप जो स्पेसिफिकली ओमेट्स में डील कर रहा है, ओमेट्स यानी कि अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के प्लस बैचेस जो हैं, जैसे अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे CMAT एंड CET, ये भी आज ही स्टार्ट हुआ है. ऋषिकेश सर, गुरप्रीत सिंह सर, शंकर झा एंड अभिषेक आनंद, दीज आर दी फैकल्टीज. एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू अवेल एट द सेम टाइम 10% ऑफ, तो प्लीज यूज द कोड DJ10, ठीक है. एंड दिस इज द थर्ड कोर्स, जहाँ पे ऑफकोर्स मिस्टर अरुण शर्मा एंड वन ऑफ द यू नो लीडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, और सब मोस्टली जो अपने कैट प्रिपरेटरी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास इनकी बुक्स अवेलेबल होती हैं. तो ही विल बी यू नो, ही विल बी वन ऑफ द फैकल्टीज. एंड अभिलाषा स्वरूप मैम, अपर्णा रस्तोगी एंड राहुल आनंद, दीज आर दी यू नो फैकल्टीज हु विल बी टेकिंग योर वीकडे बैच, विच एक्चुअली स्टार्ट्स ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ. तो दीज आर दी प्लस बैचेस गाइस, इनके ही और इनके ही नहीं, आप बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके भी अगर आप यू नो कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू यू कैन अटेंड, मतलब इसी कोड के थ्रू यू कैन अटेंड इट, मतलब इसी कोड से बाकी सारे कोर्सेज भी अटेंड हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू मतलब क्वांट के लिए अलग से, वर्बल के लिए अलग से, या DLR के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. और एनरोल करने के लिए ये मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि अगर आप कैट 2021 स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो आई एम रिकमेंडिंग दिस 12 मंथ्स का कोर्स. बट अगर आप कैट 2021 के साथ साथ अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट भी देख रहे हैं, देन आई एम रिकमेंडिंग दिस 24 मंथ्स का कोर्स, ठीक है. सो 24 मंथ्स का कोर्स, बिकॉज आपका कैट 22 तक जाएगा ना, 2022 तक जाएगा, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है, बिकॉज कैट तो नवंबर में खत्म हो जाएगा. वेल देन विल हैव स्नैप, IFT, ZAT, महाराष्ट्र CET, तो वो मार्च तक चलेगा. उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज, WAT सेशंस, वहां तक भी हम लोग जाएंगे. तो टिल द मंथ ऑफ आई थिंक मई तक हमें मिनिमम साथ में रहना चाहिए, ठीक है. सो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग दिस 24 मंथ्स का कोर्स फॉर कैट 2021, ठीक है. इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पिकअप करते हैं, 10% इंस्टेंट ऑफ के लिए यू कैन यूज द कोड DJ10, ठीक है. एंड दीज आर दी बैचेज, अगेन यू मस्ट बी लुकिंग आउट फॉर, दीज आर न्यूली बैच लॉन्चेस जो अभी भी हुए हैं, ठीक है. सो लुक आउट फॉर दीज बैचेज, वेरी रिनाउंड फैकल्टीज एंड एजुकेटर्स, दे आर टेकिंग दीज बैचेस. एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर दीज बैचेज, प्लीज कीप इन माइंड द कोड DJ10, ठीक है गाइस. सो प्लस के आपको मैं बेनिफिट्स और मैं बता रहा था कि ऑफकोर्स लाइव क्लासेज एंड यू नो इंटरेक्शन विद एजुकेटर तो है ही, उसके साथ साथ लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड का बेसिकली मकसद है कि यार द गैप बिटवीन द टॉपर एंड यू शुड कीप ऑन रिड्यूसिंग. आपको वो दौड़ हमेशा महसूस होनी चाहिए, ठीक है. तीसरा जो है टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, आपको यू नो इतने ज़्यादा मल्टीपल टेस्ट एंड एनालिसिस हैं, क्विजेज हैं, और दीज आर द टेस्ट थिंग्स दैट यू कैन यू नो टेक एन एडवांटेज ऑफ. बिकॉज अगर आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो और यू नो उसका एप्लीकेशन भी सीख जाते हो, बट अगर आपने टेस्टिंग नहीं करा है खुद को, तो ओनली आप समझ लीजिए ओनली 50% ऑफ द जॉब इज डन. तो इतने ज़्यादा टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, उनका फायदा उठाइए गाइस. उनका एनालिसिस आपको राइट आफ्टर यू गिव द टेस्ट, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक उसका एनालिसिस आ जाता है. बट इफ यू वॉन्ट टू यू नो टॉक टू द फैकल्टी ऑल्सो अबाउट द टेस्ट, की हाउ डिड यू परफॉर्म एंड यू नो दीज आर थिंग दैट दीज आर दीज आर द मिस्टेक्स दैट वी मेड, तो दिस इंटरेक्शन विद द एजुकेटर ऑप्शन दैट इज ऑलवेज देयर, ठीक है. सो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे मैंने अपने अरिथमेटिक सेशन के बारे में बता रहा था कि वी हैव जस्ट लॉन्च एन अरिथमेटिक सेशन ओनली ऑन विच इज केटरिंग टू वीकेंड बैचेस. तो आफ्टर एवरी थर्ड सेशन वी आर हैविंग डाउट क्लियरिंग सेशन गाइस. तो वी आर नॉट पाइलिंग अप द सेशंस की यार पूरा अरिथमेटिक खत्म होने के बाद एक डाउट सॉल्विंग सेशन, बिकॉज दैट वुड, क्योंकि जैसे एज यू कैन सी द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. जैसे आज जो हमने टॉपिक्स किए उसमें मोस्टली परसेंटेज का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ठीक है. तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आफ्टर एवरी थर्ड सेशन वी आर हैविंग डाउट क्लियरिंग सेशंस,
ठीक है, सो दीज आर दी ऑप्शंस, है ना। आई वॉज थिंक कैट 2021 के लिए 12 मंथ्स का कोर्स एंड 24 मंथ्स का कोर्स फॉर कैट 2021 प्लस अदर मैनेजमेंट टेस्ट। 10% इंस्टेंट ऑफ के लिए यू कैन यूज द कोड DJ10। ठीक है इस, वर्ड पर मेड इजी गेमिंग, वर्ड पर मेड इजी इट्स अ बुक, इट्स अ बुक, वर्ड पर मेड इजी। तो लॉट ऑफ फैकल्टीज यूज दोज रेफरेंसेज ऑल्सो। रेन एंड मार्टिन, है ना, रेन एंड मार्टिन की वर्ड वो बुक है एंड द ऑथर है रेन एंड मार्टिन, तो उनकी वर्ड पर मेड इजी है। तो ये सब जो है वेरी बेनिफिशियल्स, ठीक है। ऑफकोर्स वहाँ पे रेगुलर कोर्सेज भी हैं प्लस पे, जहाँ पे यू नो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ लॉट ऑफ पीपल। जैसे अभी जो, क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक स्नैप एंड जैट, उनमें वोकैबुलरी का काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो वो कैब कोर्सेज ऑटोमेटिकली लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ बुक, इट्स अ बुक, ठीक है। तो हर्ष ने पूछा था एक्चुअली मेरे से एक दिन की कोई सजेशन बुक्स फॉर फॉर वर्बल, तब तो मैंने बताया था कि वर्ड पार्ट मेड इजी कर सकते हैं रेन एंड मार्टिन, ठीक है। तो वॉन्ट टू एनरोल फॉर द कोर्स देन यूज द कोड DJ10। अब ये कोड यूज कीजिए टू अवेल इंस्टेंट 10% ऑफ ऑल्सो, ठीक है गाइस, ठीक है। सो कीप इन माइंड एंड थैंक यू सो मच, दिस इज द कोड टू अवेल 10% ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, विल सी यू टुमारो अगेन एट 8 PM एट द सेम टाइम सेम प्लेस, एंड आई होप एवरीबडी हैज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज सो दैट यू नो वी आर एनकरेज्ड टू यू नो ब्रिंग्स अ लॉट मोर कंटेंट लाइक दिस, ठीक है। चलो गाइस सी यू।